अस्सलाम वालेकुम। ये नसीब के ऊपर सेकंड वीडियो है मेरी, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नसीब की लड़ियां। नसीब की लड़ियां क्या होती हैं, इंसान का नसीब जो है वो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो पीछे से पुल आउट हो रही हैं या आपस में क्रॉस कर रही हैं या आपस में मिलके मोटी हो जाती हैं। वो लड़ियां क्या है, वो लड़ियां कैसे हम इंसान अपने नसीब को बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी के 30 साल आप किसी मुल्क में लगा दें और एंड पे कुछ ना बने आपका, तो कहाँ आपने वो मिस्टेक्स किए हैं, जमीन ही आपको रास नहीं आ रही। इसका मतलब क्यों आपने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए एक ऐसी जमीन पे या लोकेशन पे जिसका कोई आउटपुट ही ना आए आपकी लाइफ में। तो क्या है नसीब, को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम इमाम अली का एक वाक्य सुन लें पहले, कि एक शख्स आके उनसे पूछता है कि नसीब और मुकद्दर में क्या फर्क है। तो इमाम ने उसे कहा कि अपनी टांग उठाओ। उसने एक टांग उठा ली। इमाम ने कहा दूसरी टांग उठाओ। वो कहता है ये तो मैं नहीं उठा सकता। तो इमाम ने कहा कि एक टांग तुम उठा सकते हो, ये है नसीब। दूसरी टांग तुम इसलिए नहीं उठा सकते कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये है मुकद्दर। इसका मतलब ये कि इंसान के बस में है अपने नसीब को इम्पैक्ट करना और नसीब को चेंज करना, लेकिन मुकद्दर आपके बस की बात नहीं है। आपने जिस घर में पैदा होना था, जिस माँ के साथ पैदा होना था, जिस बाप के साथ पैदा होना था, जिस जगह पैदा होना था, आपके बस में ही नहीं है कि आप उसको बदल सकते। तो ये है मुकद्दर। मुकद्दर तो आप बदल ही नहीं सकते, नसीब बदल सकते हैं। कैसे? अब नसीब को समझने में हमें थोड़ा सा समझना होगा कि क्या कैसे बदला जा सकता है। नसीब को इम्पैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। एक चीज उसमें से है कि किसी दूसरे इंसान के नसीब को अपने साथ जोड़ा जाए। लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, 40 साल उम्र हो गई है, 1 टका आज तक बना नहीं है, बेचारा डिप्रेस परेशान बैठा हुआ है, सारी जिंदगी गुजार दी है और आज तक सिवाय मसाइल के वो निकल ही नहीं पाया। तो अब क्या सोल्यूशन है उसका? अब वो यही सोल्यूशन है कि भाई अच्छा चलो एक नसीब और ऐड कर लो। तो अब वो एक नसीब चलो और ऐड कर लेता है, गॉड नोस क्या होगा उसका। लेकिन जब आपके पास कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं कुछ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है गंवाने के लिए, तो फिर लोग कर लेते हैं। वैसे लोग शादी करके भी नसीब ऐड करने की कोशिश करते हैं। दो नसीब जब आपस में मिलते हैं तो या तो वो एक दूसरे को काट देते हैं या वो मजबूत रस्सी की तरह और मजबूत हो जाते हैं। बेसिकली ये नसीब की लड़ियां हैं, काटेंगी या मजबूत हो जाएंगी, वी डोंट नो। हम इसकी कोई गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, ना मुझे मालूम है इसके बारे में। मैं तो सिर्फ जिंदगी के तजुर्बे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है। जो लोग ऑलरेडी वेल्दी हैं, जो ऑलरेडी पैसे कमा चुके हैं, ऑलरेडी कोई मिलियनर हो और वो बोले जी मैंने भी शादी करना है, मुझे भी शौक है, आप बहुत बड़ा रिस्क लेने जाएंगे अब लाइफ में। उसकी वजह ये है कि या तो जो है वो भी गंवा देंगे आप, नसीब की लड़ियां हैं, हो सकता है काट दें एक दूसरे को, जो है वो भी गंवा दें, जो सारी जिंदगी बनाया वो भी खत्म आपका, या फिर बम्बू लॉन्च सीधा ही 100x। वी डोंट नो, कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता इस बात की। नसीब की लड़ियां हैं बेसिकली ये। अच्छा, नसीब को इम्पैक्ट करने के लिए सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है अल्लाह से दुआ मांगना। क्योंकि 2015 में जब मैं बैंकरप्ट हुआ था, तीसरी बार हुआ था, तो उस दौर में अब्बू ने मुझे बताया था कि इमाम अली का कॉल है कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अकलमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। 5 दिन में सो ही नहीं सका मैं, 5 दिन सोचता रहा, मेरा दिमाग स्पिन हो चुका था कि मैं 12 साल में स्ट्रगल करता रहा हूँ, मेरा आज तक कुछ बना ही नहीं है, क्यों? तो मैंने फिर दिन रात अल्लाह से नसीब की दुआ मांगी। दिन और रात हवा में होता था, जहाज में होता था, जमीन पे होता था, मैं एक ही दुआ मांगता था कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे नसीब चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, नसीब चाहिए। दे दी अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह मियाँ ने भी दे ही दिया, बेसिकली अकल दे दी मुझे। तो अल्लाह ने अगर किसी को देना है तो वो अकल दे देगा, लेना है तो अकल छीन लेगा उससे। तो दुआ बेसिकली इज अनदर वे टू इम्पैक्ट नसीब, नसीब को इम्पैक्ट करने के लिए। तीसरा मेथड, जमीन बदल दें आप अपनी। आप 30 साल एक जमीन पर रह के आपका कुछ बनने का नाम ना ले रहा हो, जमीन आपको दे ही ना रही हो, आप अपना वक्त ना जाया करें,
मैं समझता हूँ किसी जमीन को आजमाने के लिए 5 6 7 साल बहुत होते हैं, क्योंकि इंसान एक एवरेज बिजनेस करता है, वो उसको 3 या 4 साल देखता है, नहीं होता वो फेल हो जाता है, फिर वो दूसरे बिजनेस में चला जाता है। तो आपने अगर एक जमीन पे दो बिजनेसेस करके देख लिए हैं, दोनों बिजनेसेस में आपका कुछ नहीं बना, 8 साल जिंदगी के 10 साल गुजर गए हैं, जमीन बदल दीजिए, अब आप माइग्रेट कर जाए, किसी दूसरी जमीन पे चले जाए। जमीन बदलना जो है उससे भी नसीब पर इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह यह है कि जमीन का अपना अच्छा, इसको अब आप फिजिकली इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो शायद मेरा ख्याल है होता ये कि इंसान जब नई जमीन पे जाता है, प्रेशर पड़ता है, इनकम नहीं होती, जेब में पैसे नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हाथ पांव मारता है, हाथ पांव मारता है और कुछ ना कुछ पकड़ लेता है, कोई ना कोई नई चीज स्टार्ट कर लेता है। और वैसे भी जब आप माइग्रेंट बन के किसी मुल्क में किसी दूसरी जमीन पर जाते हैं तो वहां के लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, वहां के लोग आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं होते, तो आप मजबूरन बिजनेस में चले जाते हैं, और तजारत में बिजनेस में वैसी बरकत है। तो शायद शायद ये भी एक लॉजिक है कि इंसान एक जमीन पे अगर वो तंग आ जाए, 10 साल उसका कुछ ना बने, तो वो दूसरी जमीन पे जाएगा, हाथ पांव मारेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई नई चीज उसको वहां मिलेगी। तो ये 3 बहरहाल मेथड्स हैं, आप इनको जरा सोचें, गौर करें। और बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कॉम को लगा देंगे जी, अब आप शादियां करें सारी जाके, मैं बिल्कुल ऐसा कोई ना प्रीच कर रहा हूँ ना, इनफैक्ट मैं स्ट्रिक्टली डिस्करेज करता हूँ उस मेथड को। ये उन लोगों के लिए जो जिंदगी से होपलेस हो चुके हैं, प्रॉबेबली शायद उनके किसी काम आ जाए, शायद वो देख लें उसको, अदरवाइज दूसरों के नसीब जोड़ें अपने साथ, आप दूसरे लोगों को जोड़ लें आप। और मजे की बात है, जो लोग दूसरी शादियां करते हैं वो ये अज्यूम करते हैं कि अब हम मिलियनर बनने वाले हैं। देखें, दूसरे इंसान का नसीब उसी वक्त आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है जब आप इस पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, आप दूसरे इंसान को अपने शोल्डर पे बिठाते हैं, इससे कहते हैं नसीब का इम्पैक्ट आना। खाली शादी कर लेना, आपने जी वो शादी कर ली किसी से के साथ, और वो ना आप घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना पैसों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना किचन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो खुद ही जॉब कर रही है, खुद ही बेचारी स्ट्रगल कर रही है, आप कह रहे हैं बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाला हूँ। आई मीन देयर इज नो सच थिंग, कुछ नहीं होने वाला, कोई नसीब नहीं बदलने वाला आपका, नसीब बदलता है जब जिम्मेदारी ली जाती है। अब वो शादी करके ले लें या वैसे 5 इंसानों की जिम्मेदारी अपने सर पे चढ़ा लें, नसीब का इम्पैक्ट आना है, उससे भी डेफिनेटली आता है। ये कुछ थॉट्स थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं।